गुड मॉर्निंग टू ऑल माई स्टूडेंट्स तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज ऑफ क्रॉप वेजिटेबल्स कॉफ़ी टी ऑयल सीड्स एट्सिट्रा ओके तो हम आज पेस्ट के बारे में पढ़ेंगे तो जो पेस्ट है वट डू यू मीन बाई पेस्ट सो द टर्म पेस्ट द टर्म पेस्ट इज यूजली Applied to signify a species of insect destructive to cultivated plants and stored. ग्रेन ओके okay. तो हम जो पेस्ट है यूजुअली किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं अप्लाई करते हैं तो हम उस स्पीशीज़ को सिग्निफाई करने के लिए या इंसेक्ट के उस स्पीशीज़ को सिग्निफाई करने के लिए जो हमारे प्लांट्स के लिए जिसको हम कल्टिवेट करते हैं उसके लिए डिस्ट्रक्टिव हो या जो हम स्टोर रखते हैं ग्रेन्स को उसके लिए बहुत डिस्ट्रक्टिव हो या खतरनाक हो या डेंजरस हो तो उन एनिमल्स को इंक्लूडिंग द इंसेक्ट उसको हम क्या बोलते हैं पेस्ट बोलते हैं या उनको हम पेस्ट उसको सिग्निफाई करते हैं सो so, तो जितने भी क्योंकि आप बहुत सारे इंसेक्ट्स प्लांट्स में रहते हैं ठीक है जरूरी नहीं है कि सारे इंसेक्ट्स क्या हो पेस्ट हो कुछ जो इंसेक्ट्स है वो हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं जैसे कि हनी भी वो हमारे लिए बेनिफिशियल है ठीक है तो कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो ऐसे इंसेक्ट हैं जो प्लांट्स पे रहते हैं बट वो प्लांट को इतना इफेक्टिव नहीं है या प्लांट को वो डिफेक्ट या वो प्लांट के लिए डेंजरस नहीं है तो हम उन इंसेक्ट्स को पेस्ट में नहीं लाते हैं बट कभी कभार लोग उनको भी मिस कंसेप्शन uh, से क्या करते हैं उनको भी पेस्ट मानते हैं एक्चुअली वो पेस्ट नहीं होते हैं जो हमारे फूड के लिए या हमारे क्रॉप्स के लिए हमारे वेजिटेबल्स के लिए डेंजरस हो और जो हमारे क्रॉप्स को डिस्ट्रक्ट करता हो तो हम सिर्फ उन एनिमल्स को या उन इंसेक्ट्स को हम पेस्ट में लाते हैं सो so, uh, आपका एग्जांपल दूंगा ए गुड नंबर ऑफ इंसेक्ट आर सीन विच आर लाइक अ पेस्ट बट नॉट इंजीरियस ठीक है तो पेस्ट की तरह दिखते हैं बट दे आर नॉट इंजीरियस रेदर दे आर वेरी हेल्पफुल टू ह्यूमन बींग इन अनदर वे ठीक है तो वो हमारे लिए फायदेमंद रहेगा किसी दूसरे तरीके में बट हमको ऐसा लगता है कि वो पेस्ट है और हमारे क्रॉप्स को डैमेज पहुंचा पहुंचा सकता है जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगा, दैट इज द लेप्टिनो टार्सा डिसेमलिनिएटा ठीक है सो इट इज़ आल्सो नोन एज अमेरिकन कोलोराडो अमेरिकन कोलोराडो पोटैटो बीटल पोटैटो बीटल सो so, ये जो है लेपिटो मार्सा डिकेनली कैंटा अमेरिका जिसको हम क्या बोलते हैं अमेरिका ना कोलेटो पोटेटो बीटल सो इट्स ए पेस्ट बट इसकी तरह ही दिखने वाला दूसरा ग्रुप uh, है जिसको हम क्या बोलते हैं दैट इज द डॉक बीटल डॉक बीटल दैट इज द क्राइसोलिना क्वाड्री, जर्मिना, ठीक है क्राइसोलिना क्वाड्री जर्मिना, तो ये दूसरे ग्रुप का है ठीक है बट वो इसी पोटेटो बीटल की तरह दिखता है ठीक है बट इट इट डज नॉट डैमेज द एनी क्रॉप एंड ऑन अदर ऑन द अदर हैंड इट डिवर्स वीट इनेबलिंग क्लीननेस इन द फील्ड ठीक है तो ये हमारे किसी भी क्रॉप को डैमेज नहीं पहुंचाता है और साथ में ये हमको फ़ायदा पहुंचाता है कैसे जो वीट आ, हमारे फील्ड में डेवलप हो रहा है उन वीट को वो डैमेज करके हमारे वहाँ पे वीट डेवलप होने नहीं देता तो हमको फायदा पहुंचाता है ठीक है तो सारे जो भी इंसेक्ट स्पीशीज़ हैं वो पेस्ट नहीं होते हैं और आ, आपको मैंने पहले कहा कि सिर्फ इंसेक्ट्स ही नहीं बाकी दूसरे जो एनिमल रिप्रेजेंटेटिव हों या जो पेस्ट रिप्रेजेंटेटिव है उसमें निमेटोर्ड भी आ सकते हैं गेस्ट्रोपोर्ट भी आ सकते हैं बर्ड्स भी आ सकते हैं एमल्स भी आ सकते हैं विच बिलोंग टू पेस्ट कैटेगरी एलॉन्ग विद द इंसेक्ट्स ठीक है जो हमारे क्रॉप्स को डैमेज पहुँचाता है चाहे वो कोई भी हो चाहे वो मेमल्स हो या गेस्ट्रोपोर्ट हो या निमेटोड हो जो हमारे पेस्ट को या हमारे क्रॉप को डैमेज पहुँचाता है उसको हम पेस्ट उसमें कैटेगरी में लाते हैं ओके तो अगर हम डिफिनेशन देंगे पेस्ट का तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं एपेस्ट इज ए ऑर्गेनिजम एपेस्ट इज एन ऑर्गेनिजम हु पॉपुलेशन ऑफन इंक्रीज अबव अटेन लेवल ऑफ economic injury and its existence conflicts with man's welfare convenience and profit and प्रॉफिट तो किसको बोलेंगे हम पेस्ट को ऑर्गेनिज्म हुज पॉपुलेशन ऑफन इंक्रीज़ अबव अ सर्टेन लेवल ऑफ इकोनॉमिक इंजरी ठीक है जब उनका पॉपुलेशन उतना बढ़ जाए जिससे हमारे क्रॉप्स uh, को डैमेज हो और जिसकी वजह से हमको एक इकोनॉमिक इंजरी फेस करनी पड़े ठीक है एंड इट्स एग्जिस्टेंस कन्फ्लिक्स विद मैंस वेलफेयर और उनका वहाँ पर मौजूद होना हमारे मेंस uh, वेलफेयर के साथ या कन्वीनियंस के साथ या प्रॉफिट के साथ अगर वो कन्फ्लिक्ट कर रहा हो तो उन सारे एनिमल्स को या उन सारे ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं उनको हम पेस्ट बोलते हैं ओके okay. तो एक टर्म है जिसको हम बोलते हैं जीईपी जीईपी सो जी व्हाट डू सो जी मीन बाय जीईपी दैट इज अ जनरल इक्विलिब्रियम पोजिशन जनरल

Started to raise population growth following arrival and settlement over crop. तो हम किसको बोलेंगे जीपी तो जीपी या जिसको हम क्या बोलते हैं जनरल इक्विलियम पोजिशन उसको हम ऐसे रेफर करते हैं कि इट्स अ स्टेट ऑफ पेस्ट पॉपुलेशन व्हेन द पेस्ट हैज स्टार्टेड टू रेज पॉपुलेशन तो जब जो पेस्ट है अपना जो पॉपुलेशन बढ़ाना स्टार्ट करता है ठीक है फॉलोइंग अराइवल एंड सेटलमेंट ओवर क्रॉप और क्रॉप uh, के ऊपर आना और वहाँ पे सेटल हो जाना उस पोजीशन को हम क्या बोलते हैं जनरल इक्विलिब्रियम द ई देन उसके बाद एल इज द इकोनॉमिक इंजरी लेवल डेट इज दल तो ई आई एल बोलेंगे सो इट हैज़ बीन रेफर्ड हैज़ बीन रेफर टू द

जो पेस्ट है पेयापेस्ट पॉपुलेशन है वो उस लेवल तक पहुंच जाता है कि हमारे क्रॉप को डैमेज पहुंचाने लगता है तो उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं उस लेवल का हम बोलते हैं इकोनॉमिक इंजरी लेवल तो यह इकोनॉमिक इंजरी लेवल को हम एक फार्मूला से डिनोट करते हैं देट इज़ सी अपॉन वी आई डी वेर ई एल आई आपको पता है इक्वल टू नंबर ऑफ इंजरी क्विलेंट इक्वीविलेंट पर प्रोडक्शन पर प्रोडक्शन यूनिट अगर हम उसको करेंगे तो इंसेक्ट्स पर हेक्टर ठीक है कितना इंसेक्ट रॉपिप्रेजेंट है ठीक है वो तो हम वो निकालते हैं तो अगर हम बात करेंगे दैट इज सी की तो सी इक्वल टू कॉस्ट ऑफ मैनेजमेंट एक्टिविटी पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन रुपीस पर हेक्टेयर उस क्रॉप uh, को प्रोड्यूस करने के लिए हमको कितना अमाउंट लगा या कितना कॉस्ट हुआ तो वो हम सी से डिनोट करते हैं जिसको हम रुपीस पर हेक्टर में क्या करते हैं डिनोट करते हैं ठीक है यहाँ पे डिनोट क्या हुआ है एक्टिविटी पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन दैट इज रुपीस पर हेक्टर तो अगर हम वी को वी इज डिनोटेड बाय मार्केट वैल्यू पर पेस्ट डेंसिटी पर पेस्ट डेंसिटी आई को हम करेंगे तो क्रॉप इंजरी पर पेस्ट डेंसिटी पर पेस्ट इंजरी अगर हम डी करेंगे तो डैमेज पर यूनिट इंजरी जिसको हम टन रिडक्शन पर हेक्टर डिनोट करते हैं टन रिडक्शन पर हेक्टेयर ठीक है सो दीज प्राइमरी वेरिएबल्स आर एफेक्टेड बाय नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल तो अब यहाँ पर देख सकते हैं कॉस्ट ऑफ मैनेजमेंट कितना कॉस्ट लगा हमको क्रॉप मैनेज करने के लिए दैट इज कितना पैसा लगा पर हेक्टर उस क्रॉप को मैनेज करने के लिए देन मार्केट वैल्यू पर पेस्ट डेंसिटी ठीक है तो अगर उस पेस्ट ने उस क्रॉप को इफेक्ट किया तो उसका मार्केट वैल्यू कितना होगा ठीक है उसको हम V से डिनोट करते हैं देन आई इज टू क्रॉप इंजरी पेस्ट पर पेस्ट इंजरी ठीक है तो कितना क्रॉप इंजरी हुआ पर पेस्ट ठीक है एक पेस्ट ने कितना इंजरी किया क्रॉप को उसको हम ऐसे डिनोट करते हैं डी फॉर डेमेज पर यूनिट इंजरी फॉर टन रिडक्शन पर हेक्टर तो हम जो डी है उसको किससे डिनोट करते हैं टन रिडक्शन पर हेक्टर मीन्स अगर हमने एक हेक्टर में नॉर्मली हमको दस टन हमको क्रॉप मिलता है तो अगर उसको इंजरी हो गई ठीक है तो वहाँ से हमको कितने टन कम हो गए फॉर एग्ज़ाम्पल पेस्ट होने के बाद वहाँ पे तीन टन हमको मिला पहले हमको दस टन मिलते थे पेस्ट वहाँ पे लगने की वजह से हमको साठ टन नुकसान हो गया ठीक है ड्यू टू डैमेज कॉज बाय पेस्ट तो वहाँ पे सिर्फ तीन टन हमको बचा तो वो हम इससे किसी नोट करेंगे डी से डिनोट करेंगे ओके तो इन इंस्टेंस वेयर सम लॉस फ्रॉम द इंसेक्ट इज अनएडेबल द रिलेशनशिप बिकम्स ठीक है कभी कभी जब uh, जो पेस्ट से हम कितना मैनेज करने के बाद भी थोड़ा सा इंजरी अनएवाडेबल है तो उसको हम फिर इसी इक्वेशन को हम डिनोट करते हैं किस से वी आई डी के ठीक है तो यहाँ पे सिर्फ एक एक्स्ट्रा एड हुआ दैट इज द के ठीक है सो के क्या है तो यहां पे दिखाता हूं मैं ई आई एल एल इज इक्वल टू सी अपॉन वी आई डी के ठीक है तो के क्या है के प्रोपोर्शनेट रिडक्शन इन प्रोपोर्शनेट रिडक्शन इन इंजरी एग्जाम्पल जीरो पॉइंट सिक्स for सिक्सटी परसेंट ठीक है सो so, कुछ जगहों पे जो इंसेक्ट का जो लॉस है वो क्या अनडेबल है? है तो उस टाइम पे जो रिलेशनशिप वो इस तरह से बन जाता है ई आई एल टू सी अपॉन वी आई डी के तो हम के को क्या रिप्रेजेंट करते हैं के रिप्रेजेंट प्रपोर्शन रिडक्शन इन इंजरी तो कितना इंजरी वहाँ पे रिड्यूस हुआ है वो हम इस तरीके से डिनोट करते हैं ठीक है देन उसके बाद और एक टर्म आता है दैट इज पेस्ट इंजरी में या पेस्ट मैनेजमेंट में दैट इज दी एल द इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल तो इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल किसको बोलेंगे सो इट्स कॉमनली यूज एज ए इंडेक्स कॉमनली यूज एज एन INDEX IN MAKING BEST MANAGEMENT DECISION IT IS DEFINED AS THE POPULATION DENSITY AT WHICH CONTROL measures should be initiated against and increasing pest population to prevent economic डैमेज तो इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल क्या है तो ये एक इंडेक्स है जिसमें हम डिसाइड करते हैं कि पेस्ट मैनेजमेंट करना है कि नहीं ठीक है हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि जब ये इट इज़ डिफाइंड एज द पॉपुलेशन डेंसिटी पे हमको कंट्रोल मेजर या पेस्ट मैनेजमेंट इनिशिएट करना चाहिए ठीक है जब जो पेस्ट का पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हो रहा होगा या उसके इंक्रीजिंग पॉपुलेशन के अगेंस्ट ताकि हम जो इकोनॉमिक डैमेज है उससे बच सकें ठीक है तो इस आ, लेवल को हम क्या बोलते हैं इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड होल्ड लेवल सो ऑल दो हम ऐसा बोल सकते हैं एक्सप्रेस्ड इन इंसेक्ट्स नंबर दैट इज इज इनफैक्ट टाइम पैरामीटर विथ बेस्ट नंबर बीइंग यूज्ड एज इंडेक्स फॉर व्हेन टू इंप्लीमेंट मैनेजमेंट स्ट्रेटीज जस्ट एज विथ ई ई आल्सो कैन बी एक्सप्रेस इन इंसेक्ट इक्विलेंट ठीक है तो हम मेनली इसको जो इंसेक्ट का पॉपुलेशन है इंसेक्ट के नंबर है उससे काउंट करते हैं देट इज़ ई यू ठीक है ताकि हमको पता चले कि इतना पेस्ट होने के बाद हमको पेस्ट मैनेजमेंट करना चाहिए उसका पॉपुलेशन इतना होने के बाद हमको पेस्ट मैनेजमेंट करना चाहिए उसके लिए हमको पेस्ट का नंबर होना चाहिए पता होना चाहिए तो इसीलिए इस इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल को हम पेस्ट नंबर से भी डिनोट करते हैं ताकि किस पॉपुलेशन पे हमको इनिशिएट करना चाहिए पेस्ट मैनेजमेंट वो हमको उससे पता चले ठीक है तो पेस्ट को हम क्लासफाई करते हैं ठीक है डिफरेंट बेसिस पे डिफरेंट बेसिस पे जैसे कि उनका होस्ट स्पीशीज रेंज ठीक है देन बेस्ड ऑन डैमेजिंग कैपेसिटी कितना डैमेज वो पहुंचा सकते हैं बेस्ड ऑन एवोल्यूशनरी एफिशिएंसी उनका जो एवोल्यूशनरी एफिशिएंसी उनका नेचर ऑफ एवोल्यूशनरी बिहेवियर कैसा है देन होस्ट डायमेंशन ठीक है तो कौन कौन से प्लांट्स पे फीड करता है तो उस पर वो डिपेंड करता है तो जैसे कि अगर हम बात करेंगे बेस्ड ऑन होस्ट स्पीशीज रेंज तो उसके बेसिस पे एक आता है मोनोफेगस मीन जिसका एक ही होस्ट हो मोनोफेगस देन ओलियो ओलिगोफेगस ठीक है जिसका दो से ज़्यादा हो तीसरा पॉलीफेगस जिसके दस से भी ज़्यादा होस्ट उसको हम पॉलीफेगस में डालते हैं देन अगर हम डैमेजिंग कैपेसिटी के बेसिस पे देखेंगे बेस्ड ऑन डैमेजिंग कैपेसिटी तो कितना डैमेज वो पहुंचा सकता है उसके बेसिस पे हम की पेस्ट डिफ्रेंशिएट करते हैं मेजर पेस्ट देन माइनर पेस्ट देन स्पोरेडिक पेस्ट पोटेंशियल पेस्ट ठीक है क्योंकि आप देखो यहाँ पे पोलीफेगस है तो पोलिफेगस का तो एक जो मेन पेस्ट होगा जिसको मतलब मेन उस पर डिपेंड करता है देट इज अ की पेस्ट ठीक है तो अगर वो एक से, एक से ज्यादा अगर प्लांट को फीड करता है तो वो दो तीन प्लांट क्या होंगे उसके मेजर पेस्ट होंगे तो अगर वो मैक्सिमम फॉर एग्जाम्पल बनाना प्लांट पर रहता है बट कभी कभार वो मैंगो uh, प्लांट पर भी चला जाता है तो मैंगो प्लांट क्या है उसका उनको हम बोलेंगे माइनर पेस्ट ठीक है तो कुछ स्पोरेडिक सिर्फ स्पोर फॉर्म करने के लिए जाते हैं कुछ स्पोरिक फेस देन पोटेंशियल फेस मीन्स ये जो पेस्ट है उस पर्टिकुलर प्लांट को इफेक्ट कर सकता है तो वो एक पोटेंशियल पेस्ट में हम उसको डिफ्रेंश करते हैं या उसको हम क्लासिफाई करते हैं देन ऐवोल्यूशनरी एफिशिएंसी के हिसाब से ओवोल्यूशनरी एफिशिएंसी के हिसाब से आर पेस्ट है के पेस्ट है न माइनर पेस्ट है देन इंटरमीडिएट पेस्ट इंटरमीडिएट पेस्ट ठीक है तो ये उनके एवोल्यूशनरी एफिशेंसी के बेसिस पे अगर हम डायमेंशन की बात करेंगे बेस्ड ऑन होस्ट डायमेंशन होस्ट डायमेंशन उसके बेसिस पे है एग्रीकल्चरल पेस्ट स्टोर पेस्ट दैन हाउस होल्ड पेस्ट तो ये कुछ टाइप्स हैं पेस्ट के ठीक है और उसको हमने डिफरेंट बेसिस के ऊपर क्लासिफाई किया जैसे कि होस्ट स्पीशीज रेंज पे है होस्ट डैमेज होस्ट डायमेंशन पे है ऑन डैमेजिंग कैपेसिटी पे है और रिवोल्यूशनरी डिफिशेंसी है, है एफिशिएंसी पे है तो इस तरीके से हम होस्ट पेस्ट को क्या करते हैं डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था पेस्ट के बारे में तो जो हमारा मेन टॉपिक है दैट इज़ पेस्ट ऑफ क्रॉप्स तो, 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 तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बेस्ट ऑफ सीरियल क्रॉप्स बेस्ट ऑफ सीरियल क्रॉप जिसमें हम पहला जो बेस्ट है किसका डिस्कस करेंगे दैट इज द पेडी ठीक है बेस्ट ऑफ पैडी तो जो पेडी स्टेम्बोर है ठीक है इसके बहुत सारे बेस्ट रहते हैं तो जो फर्स्ट uh, बेस्ट है पेडी का दैट इज द पैडी स्टेम बोरर जिसको हम स्का इंसर्टुलस ठीक है सो दिस इज़ द फर्स्ट पेस्ट ऑफ पैडी सो अगर हम सिस्टमिक पोजिशन देखेंगे तो इट बिलोंग्स टू क्लास इंसेक्टा ऑर्डर लेपिडोप्टेरा दे जीनस द स्का सॉरी स्कैर्पोफेगा एंड इफ स्पी अबाउट द स्पीश दैट इज द इन सर ट्यूल ओके इन सर सो दिस इज द सिस्थमिक पोजिशन और दोजीशन ऑफ दिस पर्टिकुलर पेस्ट दट इज दीब्यूशन देखेंगे इस पेस्ट का पेस्ट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द एरिया विच ग्रोज पेड़ी ठीक है ऑल पेड़ी ग्रोविंग एरिया जैसे कि वेस्ट बंगाल है असम, देन उड़ीसा तमिलनाडु आंध्र प्रदेश ईपी एंड पंजाब तो यहाँ पे जो पेड़ी है वो उगाया जाता है तो वहाँ पे जहाँ जहाँ पेड़ी प्रेजेंट होगा वहाँ पर वहाँ पे ये पेस्ट पाए जाते हैं तो आपको यहाँ पे डायग्राम पे दिख रहा होगा उसका एक फोटोग्राफ तो दिस इज दैट इज तो अगर हम होस्ट प्लांट की बात करेंगे इस पर्टिकुलर पेस्ट की सो इट हैज ओनली वन होस्ट दैट इज द पैडी सो दैट वाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड मोनो फेगस पेस्ट तो इसलिए इसको मोनोफेगस पेस्ट कहा जाता है तो अगर हम अपीयरेंस देखेंगे इसका मॉर्फोलॉजी सो द मंथ द मंथ इज फिफ्टीन टू ट्वेंटी मिलीमीटर इन लेंथ एंड हैज़ ए विंग स्पेन ऑफ ट्वेंटी फोर टू फोर्टी फाइव मिलीमीटर और अगर हम फीमेल की बात करेंगे तो फीमेल आर रिलेटिवली लार्जर देन द मेल हैविंग ब्राइट येल्लोइ विंग्स विद डिस्टिंग ब्लैक स्पॉट ऑन ईच फॉर विंग ठीक है तो जो फीमेल है तो थोड़ा सा वो लार्जर रहता है देन मेल एंड हैव वाइटिश ब्राइट येलोइश ब्राइट येल्लो विश विंग्स विथ डिस्टिंक्ट ब्लैक स्पॉट ऑन ईच फोर विंग ओके तो अगर हम मेल की बात करेंगे तो मेल अगर हम मेल की मॉर्फोलॉजी देखेंगे तो मेल इज पेल वाइटिश पेल वाइटिश येल्लो कलर्ड विंग विदाउट एनी स्पॉट विंग विदाउट एनी स्पॉट ओके तो ये उसका एक मॉर्फोलॉजी है तो हमेशा जो फीमेल um, है इट इज़ लिटिल बिट लार्जर देन द मेल एंड द फीमेल हैज ब्राइट येलोइश विंग्स ओके तो मेल को क्या है मेल हैज पेल वाइटिश येलो विंग्स एंड फीमेल हैव ब्लैक स्पॉट ऑन द फोर विंग्स बट मेल डू नॉट हैव एनी ब्लैक स्पॉट ऑन द फोर विंग्स एंड इफ यू टॉक अबाउट द एडल्ट दैट इज़ अबाउट फिफ्टीन टू ट्वेंटी मिली मीटर इन लेंथ एंड हैविंग अंग्स पैन ऑफ 24 फोर टू फोर्टी फाइव So now if we move to the life history of this particular pest, so it completes its life cycle in four stages that is the egg, then adult, then sorry, egg, then larva, then pupa, egg, larva, pupa, and adult so the female lays around 200 to 300 eggs in two to five cluster in two to five cluster uh, if you talk about the adult the adult months become active after dusk during that time male and female मथ्स मीट टूगेदर रिप्रोडक्शन इज़ द ओनली फंक्शन ऑफ एडल्ट मर्थ दियर लाइफ स्पेन इज वेरी शॉर्ट दैट इज अबाउट फाइव टू सेवन डेज तो मेनली ये जो डस्क है ठीक है उसके बाद ये एक्टिव हो जाते हैं और एक्टिव होने के बाद मेल और फीमेल वहाँ पे मिलते हैं ठीक है एंड दे शो फर्टिलाइजेशन वहाँ पर वो रिपोर्शन करते हैं रिपोक्शन करने के बाद जो लाइफ स्पेन है जो एडल्ट मर्थ्स हैं उनका सिर्फ यही फंक्शन है कि वो मेनली रिपोडक्शन uh, कर सके ठीक है ताकि वो जो जनरेशन है उसको बढ़ा सके तो उनका यही फंक्शन रहता है और उनका जो लाइफ स्पेन है बहुत शॉर्ट रहता है डेज तो अगर हम uh, बात करेंगे एक्स की तो द फीमेल आफ्टर पॉपुलेशन लेस एक्स एट द वेंट्रल सरफेस ऑफ द पेडी पेडीफी तो कम से कम दो से तीन या दो से पाँच जो एक्स है वो ले करता है फीमेल इन फाइव टू टू क्लस्टर

सिक्स टू हंड्रेड क्या होंगे फर्टिलाइज एग्स होंगे सो ईच बाय ए बफ हेयर ऑफ द फीमेल ईच फर्टिलाइज एग इज ओवल ओवल इन शेप फ्लैट एंड वाइट इन कलर बिफोर हैचिंग द एग फ्लैट ओवल वाइट इन कलर

सो बिफोर हैचिंग जो एग है उसका कलर वाइट से डार्क ब्राउन हो जाता है ठीक है हैचिंग से जस्ट बिफोर सो छ सात या छ से आठ दिन एग को हैच होने में लगता है दिन हैच होने के बाद वहाँ पे एक कैटरपिलर दैट इज द लार्वा हैविंग ए ब्लैक हेड ठीक है एक ब्लैक हेडेड लार्वा वहाँ पे देखने को मिलता है दैट इज अवर टर पिलर सो इफ यू टॉक अबाउट द लारवा द लार्वागे जियो ट्रॉपिक एंड क्रॉल अपर दॉर ए शॉर्ट बैल तो ये जो लार्वा है वो क्या रहता है ठीक है तो वो जितना हो सके ऊपर जाने की कोशिश करता है जमीन पर आने की कोशिश नहीं करता है

सम कैटरपिलर्स सस्पेंड विथ फाइन सिल्कन थ्रेड्स प्रोड्यूस फ्राम द स्लाईवा एंड डिस्पर्स विद इन रेडियस ऑफ टेन सेंटीमीटर विद द हेल्प ऑफ एयर तो ये जो लार्वा है तो वो क्या है? आ, -like करता है अपने मुँह से माउथ से कुछ सिल्क लाइक थ्रेड्स प्रोड्यूस करता है जिससे वो उस प्लांट के टेन मीटर रेडियस में वो क्या हो जाते हैं डिस्पर्स हो जाते हैं बाई विद द हेल्प ऑफ विंड ठीक है हवा के जरिए वो एक, एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक वो डिस्पर्स हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ दियर सिल्कन थ्रेड प्रोड्यूस फ्रॉम देअर सिलाईवा सो समाउन द प्लांट्स एंड रीच देंट्रल स्टेम एंड मेक स्मॉल बोर्ड एंड माइग्रेट विद इन देंट्रल टिश्यू तो कुछ जो कैटरपिलर्स हैं वो अब ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं ठीक है मेनली कहाँ पे स्टेम के पास और स्टेम के पास आने के बाद उस स्टेम को बोर करते हैं वहाँ पे होल फॉर्म करते हैं और जो सेंट्रल टिश्यू है वहाँ पे माइग्रेट कर जाते हैं माइग्रेट टू सेंट्रल टिश्यूज ठीक है सो so, Uh, वहाँ पे वो कम से कम uh, अपना जो लाइफ साइकिल है वो कंप्लीट करता है सो so, जो लार्वा का जो ड्यूरेशन uh, है दैट इज़ अबाउट ट्वेंटी टू थर्टी डेज विथ सिक्स स्टेजेस ठीक है लार्वा से ऊपर फॉर्म होने तक ठीक है कम से कम वो छः स्टेजेस क्या करते हैं कंप्लीट करते हैं वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स ठीक है एंड दे कंप्लीट देर लार्वा स्टेज इन अबाउट ट्वेंटी टू थर्टी डेज ओके तो अगर हम एक फुल ग्राउंड केटर पिलर को देखेंगे या एक फुल ग्राउंड लार्वा को देखेंगे तो इट हैज अ स्मूथ येल्लो विश वाइट कलर स्मूथ येलोविश विश वाइट कलर एंड अबाउट ट्वेंटी मिलीमीटर इन डाया मीटर ठीक है तो अगर हम इसका लेंथ देखेंगे तो कितना है दैट इज ट्वेंटी मिलीमीटर सोलार्वा बॉडी का सेगमेंट्स एंड ट्वेल्व एबडोमिनल सेगमेंट्स तो मैं आपको डायग्राम भी दिखाऊंगा वहाँ पर आपको दिख रहा होगा डायग्राम ठीक है थ्री थोरेसिक सेगमेंट्स हैं और ट्वेल्व ट्वेल्व एबडोमिनल सेगमेंट्स है एंड हैज अ काइटिनस हेड सो ईच थोरेसिक एंड एब्डोमिनल सेगमेंट बी हैज अ ब्लैक स्पॉट तो आप डायग्राम में देख सकते हैं जो थोरैसिक सेगमेंट है और जो एब्डोमिनल सेगमेंट है वहां पे उसके ऊपर आपको एक ब्लैक स्पॉट देखने को मिलेगा ठीक है मेनली जो एब्डोमिनल सेगमेंट है वहां पे और जो थोरैसिक सेगमेंट है वहां पे ओके देन आफ्टर 20 टू 30 डेज द लार्वा पोपा तो so, जब वो पोपा में कन्वर्ट होगा तो उस टाइम पे जो लार्वा है वो फीड करना स्टॉप कर देता है एंड दे अंडर गोपल मोडिफिकेशन सो दे पुपेड विद इन टर्नर ऑफ द स्टेम तो जहाँ पे उन्होंने स्टेम को बोर किया था उसके अंदर ही वो uh, लार्वा से प्पा में कन्वर्ट होंगे सो ड्यूरिंग प्रिपेशन मेचोर लार्वा इन सर्कल्स इट्सल विद द हेल्प ऑफ एस लाइवरी सिल्कन थ्रेड्स सो क्या होता है वहाँ पे जब वो लाल पोपा में कन्वर्ट होगा तो उसके मुँह से जो सिल्क थ्रेड्स प्रोड्यूस होते हैं वही उसको उसके बॉडी के सराउंड रैप करता है एंड दे फॉर्म ए कोकोन एक शेल फॉर्म होता है जिसको हम क्या बोलते हैं जिसको हम कुकोन बोलते हैं सो ड्यूरेशन ऑफ द पुपा इज अबाउट थ्री टू ट्वेल्व डेज तो पोपा का ड्यूरेशन कितना है थ्री टू ट्वेल्व डेज आफ्टर द कम्प्लीशन ऑफ पोपा ड्यूरेशन एडल्ट मत एमर्जेस तो जब पोपा ड्यूरेशन खत्म हो जाएगा तो उस पोपा से एडल्ट बाहर निकल के आ जाएगा दैट इज द एडल्ट मत सो दिस इज अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ दिस पर्टिकुलर पेस दैट इज द पेडी स्टेम बोरर और स्का इंटर इंसर्टुलस एंड इंसरटुलस वॉकर ठीक है सो पहले एक एक्स से फिर लार्वा लार्वा के छ स्टेजेस हैं देन उसके बाद पोपा पोपा इज कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल टू डेज देन उसके बाद से एडल्ट एडल्ट सो विल लिव फॉर अगेन टू डेज देन अगेन द फीमेल प्रोड्यूस अबाउट टू हंड्रेड टू थ्री हंड्रेड एक्स तो ये हो गया इसका लाइफ साइकिल तो अब हम बात करेंगे इको बिहेवियर ऑफ येलो स्टेम बोरर तो उसका जो बिहेवियर है इकोलॉजी में वो कैसे बिहेव करता है तो हम देखेंगे

especially the females which come from as far as eight pylo meters that is about five miles okay so they are attracted to light sorry it's not attached so they are attracted towards light, attracted towards light especially the females which comes from as far as 8 पाइलोमीटर्स so जो लाइट है उसकी तरफ वो अट्रैक्ट हो जाते हैं और जो फीमेल है वो ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं लाइट की तरफ तो वो कम से कम पाँच माइल से भी लाइट की तरफ वो आ, सफर कर सकते हैं देन द फीमेल मेल रेशो टू इज टू वन अगर हम पॉपुलेशन देखेंगे तो फीमेल ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू मेल द फीमेल एज अ टू रेशो एंड मेल इज अ वन सो दे आर दे आर आर फोर जनरेशन इन ईयर ठीक है तो अगर हम एवरेज जनरेशन की बात करेंगे सो दे हैव फोर जनरेशन ठीक है चार जनरेशन होता है एक साल में इन वेस्ट बंगाल इट शोज इंसिडेंस ड्यूरिंग जनवरी टू मार्च इन रेबिक क्रॉप क्रॉप एंड ड्यूरिंग सेप्टेंबर अक्टूबर इन खरीफ क्रॉप ठीक तो अगर हम वेस्ट बंगाल की बात करेंगे तो मेनली जनवरी और मार्च के टाइम पे इनका जो पॉपुलेशन uh, है वो ज़्यादा देखा गया है ड्यू टू कल्टीवेशन ऑफ रेबी क्रॉप एंड सप्टेम्बर अक्टूबर में भी इनका जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा पाया गया है ड्यू टू द खरीफ क्रॉप कल्टिवेशन ओके okay. सो so, अगर एक्सट्रीम कोल्ड होगा या एक्सट्रीम कोल्ड वेदर होगा सो दे अंडर गो हाइबरनेशन तो अगर एक्सट्रीम कंडीशन होगा या एक्सट्रीम कोल्ड वेदर होगा तो उस टाइम पे वो हाइबरनेट करते हैं ओके देन दिस इज द इको बिहेवियर ऑफ येलो स्टेम बोरर तो अभी हम बात करेंगे दैट इज डैमेज क्या डैमेज कॉज करता है तो आपको हम मैंने पहले कहा कि एडल्ट्स इतना डैमेज कॉज नहीं करता है सो दे आर मेन पर्पज इज ओनली टू रिप्रोड्यूस जो लार्वा है दैट इज वेरी हार्मफुल टू दैट पर्टिकुलर प्लांट सो द कैटरपिलर और लार्वा ऑफ येलो स्टेम बॉर्डर कैटरपिलर या लार्वा सो सीरियसली डैमेज इज द क्रॉप

ड्राइंग स्टार्ट हो जाता है ठीक है जो सेंट्रल शूट है वो ड्राई हो जाता है सेंट्रल शूट ड्राइट सेंट्रल शूट तो उसको हम क्या बोलते हैं डेड हार्ट बोलते हैं क्योंकि जो लार्वा है मेनली आप मैंने साइकिल में बताया कि वो स्टेम में जाके स्टेम को बोर करके जो सेंट्रल टिश्यू है वहाँ पे वो फीड करते हैं ठीक है जिससे जो न्यूट्रिएंट्स है वो ऊपर वाले पार्ट में नहीं पहुँच पाता है और जो स्टेम है वो पूरा ड्राई हो जाता है देन वेन एवर द बॉर इन्फेस्टेशन इज मेड ड्यूरिंग फ्लावरिंग स्टेज द ईयर हेड्स ड्राई अप विच आर विदाउट ग्रेन ठीक है तो अगर फ्लोरिंग स्टेज पे uh, उस पर्टिकुलर लार्वा ने इन्फेस्ट किया इस हमारे क्रॉप को मेनली फ्लावरिंग स्टेज पे तो क्या होता है तो वहाँ पे जो ईयर हेड्स ड्राई अप जहाँ पे हमारा ग्रेन फॉर्म होता है वो ड्राई हो जाता है और वहाँ पर कोई ग्रेन प्रेजेंट नहीं होता है नो ग्रेन्स ओके नो ग्रेन फॉर्मेशन तो इसको हम क्या बोलते हैं उस uh, डिजीज को हम बोलते हैं वाइट ईयर हेड दैट इज हैविंग नो एनी ग्रेन सो देन द इन्फ्लोरसेंस अपीयर्स एज वाइट विच इज कॉल्ड वाइट ईयर हैड तो जो इन्फ्लोरसेंस है वो वाइट कलर का दिखता है तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं वाइट ईयर हैड Uh, कहा जाता है देन अगर हम uh, बात करेंगे आंध्र प्रदेश में सो so आंध्र प्रदेश ने ड्यू टू दिस ड्यू टू द इंसिडेंस ऑफ द पेस्ट द लॉस ऑफ क्रॉप इज एस्टिमेटेड अबाउट हंड्रेड टू फाइव हंड्रेड के जी पर हेक्टेयर ठीक है तो आंध्र प्रदेश में इसी पेस्ट के वजह से कम से कम सौ से पाँच सौ के जी पर हेक्टेयर जो क्रॉप्स है वो क्या हो जाते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं ओके okay. तो अगर हम नॉर्दर्न स्टेट्स की बात करेंगे तो देयर इज लेस लॉस ड्यू टू द साउदर्न स्टेट एज देयर आर मोर जनरेशन ऑफ़ द पेस्ट देन नॉर्दर्न जोन ठीक है तो नॉर्दर्न जोन में थोड़ा सा टेम्परेचर कम होने की वजह से जो पेस्ट का पॉपुलेशन है वो कम है एज कम्पेयर टू द साउदर्न स्टेट तो साउदर्न में ज़्यादा ये पेस्ट देखा गया है एज कम्पेयर टू नॉर्दर्न स्टेट्स ओके तो अगर हम इसकी प्रिवेंशन और कंट्रोल की बात करेंगे तो फिज़िकल कंट्रोल है केमिकल कंट्रोल है और कल्चरल कंट्रोल है ठीक है तो फिज़िकल कंट्रोल की हम बात करेंगे तो डिस्ट्रक्शन ऑफ स्टबल्स विद फायर सो दैट लिबरेटिंग लार्वा आर डिस्ट्रॉयड आफ्टर हार्वेस्टिंग द फील्ड शुड बी प्रॉपरली प्लग तो फिज़िकली हम कैसे कर सकते हैं फिज़िकल कंट्रोल हम जो स्टबल्स हैं या जो भी उसके रिजिटिव प्रोडक्ट्स है उसको हम जला देंगे ताकि जो लार्वा है फायर द स्टबल्स सो दैट लार्वा आर डिस्ट्रॉय ताकि जो लार्वा है वो क्या हो जाए डिस्ट्रॉय हो जाए ठीक है और हार्वेस्टिंग के बाद फील्ड शुड बी प्रॉपरली प्लव ठीक है तो हार्वेस्टिंग के बाद जो फील्ड है वो फिर से प्रॉपरली प्लव हो ठीक है तो ये एक फ़िजिकल कंट्रोल है अगर हम केमिकल कंट्रोल की बात करेंगे सो केमिकल कंट्रोल में हम इंसेक्टिसाइड यूज़ करते हैं आफ्टर फिफ्टीन डेज नर्सरी अगर नर्सरी होगा तो हम हर फिफ्टीन डेज के बाद इंसेक्टिसाइड्स यूज़ करते हैं आफ्टर सोइंग द सीड्स एंड इन फील्ड्स एट थ्री टू फोर वीक्स ठीक है आफ्टर नर्सरी में हम फिफ्टीन डेज के बाद करते हैं और अगर हम फील्ड की बात करेंगे तो फील्ड में हम चार से तीन के बाद इंसेक्टिसाइड हम स्प्रे करते हैं तो देट जीरो पॉइंट जीरो एट परसेंट मिथाइल पैराथीन ठीक है और जीरो पॉइंट जीरो फाइव परसेंट फोस्फो फोस्फामिडॉन फोस्फामिड या जीरो पॉइंट सिक्स परसेंट डाई एजीनोन ग्रीन यूज तो ये कुछ इंसेक्टीसाइड है जिसको हम यूज करते हैं टू प्रिवेंट अवर क्रॉप फ्राम दिस पर्टिकुलर पेस्ट दैट इज दिस स्टेम बॉर्डर तो अगर हम कल्चरल कंट्रोल देखेंगे तो रेगुलर इंटरकल्चरल एंड रिमूवल ऑफ वीड्स प्रेजेंट एट जैसेंट टू दल्टिटेड फील्ड शुड बी मेड द बेस्ट रेजिस्टेंट वुड भी इंट्रोड्यूस रोटेशन ऑफ क्रॉप शुड बी फॉलोड ठीक है अगर हम कल्चरल मेथड देखेंगे तो Uh, एक इसका है रोटेशन ऑफ क्रॉप्स ठीक है एक बार अगर हमने वीट आपने ग्रो किया तो आप नेक्स्ट ईयर आप बहले ग्रो करो या नेक्स्ट टाइम बहले ग्रो करो तो रोटेशन ऑफ क्रॉप्स वहाँ पे एक मैनेजमेंट है जिससे हम इस पेस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं दूसरा जो पेस्ट रेजिस्टेंस वेराइटी है उसको हम यूज कर सकते हैं या हम जेनेटिकली मॉडिफाइड भी बोल सकते हैं तो जो रेजिस्टेंस वैरायटी है जो इस पर्टिकुलर पेस्ट को रेजिस्ट करता है या इसके डैमेज से रेजिस्ट करता है हम उन वेराइटीज को यूज कर सकते हैं ठीक है तो इस तरीके से हम प्रिवेंशन ऑन कंट्रोल कर सकते हैं फ्रॉम द डैमेज ऑफ दिस पर्टिकुलर पेस्ट नाउ द नेक्स्ट पेस्ट ऑफ पैडी इज गांधी पग दट इज कॉल्ड लेप्टोकोरिसा कॉरिसा वेरी कॉर्निस फेब्रिकल ठीक है तो अगर हम सिस्टमिक पोजिशन की बात करेंगे तो इट बिलोंग्स टू क्लास इंसेक्टा ऑर्डर हेमिप्टेरा फैमिली कॉरियाडी जीनस लेप्टोकोरिसा एंड स्पीशीज वेरी कॉर्डनिस ओके सो अगर हम इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे तो इट इज़ वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन इंडिया दैट इज ट्रॉपिकल इन सब ट्रॉपिकल पार्ट्स ऑफ ओरिएंटल रीजन तो होस्ट प्लांट दैट इज इट इज़ पोलीफेगस ओलिगोफेगस फेगर्स दैट इट हैज मेनी होस्ट पेडी मेस जो जोवर शुगर केन एट्सट्रा तो अगर हम अपीरियंस देखेंगे तो एडल्ट आर सिलेंडर लॉन्ग ट्वेंटी मिलीमीटर एंड ग्रीनिश ब्राउन इन कलर सो इट इमिट्स अ स्ट्रॉग फॉल स्मेल हैंज इट इज कॉल्ड गंदी बग ओके okay, तो गंदा स्मेल की वजह से इसको गंदी बग कहा गया है ठीक है जब इसको आप टच करोगे तो आपको बहुत ही गंदी स्मेल Uh, सूगने को मिलेगी सो इट हैज़ फोर लॉन्ग लेग्स फोर ज्वाइंटेड एंटीना एंड थ्री ज्वाइंटेड टारसी तो ये इसका फिजिकल अपीयरेंस है अगर हम लाइफ साइकिल की बात करेंगे तो इट कम्प्लीट इट्स लाइफ साइकिल इन टू थ्री स्टेज दैट इज एडल्ट निम्फ एंड एडल्ट तो यहाँ पे जो ट्राइंगल बनाया है वहाँ पे उन्होंने दिखाया हुआ है ठीक है सो इट लेज़ अबाउट टू हंड्रेड टू थ्री हंड्रेड एक्स ओके देन the eggs will hatch into 6 to 7 days and you you can see then after 6 to 7 days the egg will hatch into nymph then then uh, nymph stage is about 25 to 30 days and uh, after uh, 25 to 30 days the nymph will convert into the adult then the uh, adult will survive uh, to 4 to 5 days okay so uh, ईयर यू कैन सी द राइज बर्क कम्प्लीट इट्स लाइफ साइकिल विद थ्री स्टेज एट नीम फैड एडल्टू टॉक अबाउट द ए रिप्रोड्यूस थ्रू आउट द ईयर ऑन ग्रासिस एंड अदर ग्रीन वेजिटेबल्स ऑन विच दे लिव ठीक है तो मेनली जो एडल्ट uh, है वो थ्रू आउट द ईयर रिप्रोड्यूस करते हैं ठीक है उनका एक पर्टिकुलर टाइमिंग नहीं है वो पूरे साल पर प्रड्यूस कर सकते हैं ग्रासेस के ऊपर और दूसरे जो भी ग्रीन वेजिटेबल्स है उनके ऊपर सो so, uh, जैसे ही मेल डेवलप हो जाएगा एडल्ट में आफ्टर द एमरजेंस ठीक है ही स्टार्ट्स कॉपोलेटिंग विद द फीमेल ठीक है आफ्टर कापोलेशन द फीमेल लेस एग्स ठीक है तो फीमेल कापोलेशन के बाद एग्स uh, ले करना स्टार्ट कर देता है सो ईच फीमेल लेस ट्वेंटी फोर टू थर्टी फाइव एक्स इन रो अलॉन्ग द मिड रिप ऑन द अपर सरफेस ऑफ द लीफ ब्लेड तो जो फीमेल है वो कम से कम चौबीस से तीस एक्स के रो रोस रो रो ले करता है कहाँ पे जो मिड रिप है लीफ के उसके अपर सरफेस पे तो अगर हम रो की बात करेंगे तो एक रो में कम से कम छः से बीस एक्स प्रेजेंट रहते हैं तो उसके हिसाब से अबाउट टू हंड्रेड टू थ्री हंड्रेड एक्स आर लेड बाई अ सिंगल फीमेल ओके सो द एक्स आर ब्लैक इन कलर ओवल इन शेप एंड फ्लेट एंड विथ कनके मारजिन तो ये जो एक्स है वो जो लीव के सरफेस है वहाँ पे फिक्स रहते हैं बाय अ गमी सबस्टानस सिक्रेटेड बाय द फीमेल सो अगर हम इसके साइज के बारे में देखेंगे तो एग के तो द एग इज़ अबाउट वन मिलीमीटर इन लेंथ एंड द इनक्यूबेशन पीरियड लास्ट फॉर सिक्स टू सेवन डेज़ ठीक है तो जो साइज़ होगा वो है वन मिलीमीटर और जो हैचिंग पीरियड है इट इज़ अबाउट सिक्स टू सेवन डेज छः से सात दिन के बाद जो एग है वो हैच हो जाता है किस में एक निम्फ में तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक्स इस तरीके से रो वेज में फीमेल जो एक ले करता है और एक रो में कम से कम छः से लेके कर बीस एक्स प्रजेंट हो सकते हैं ओके okay. सो so अगर हम निम्स की बात करेंगे तो अब यहाँ पर देख सकते हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे हिमी मेटाबोलस टाइप ऑफ इंसेक्ट बोलेंगे तो हिमी मेटाबोलस भी जहाँ पे आ, कोई पोपा स्टेजेस नहीं है और कोई लार्वा स्टेज नहीं है निम्फ इज़ द मीनीचर ऑफ द मीन जो निम्फ है वो क्या है वो जो एडल्ट है उसका एक शॉर्ट फॉर्म है ओके okay. एक कंपैक्ट फॉर्म है तो इस टाइप इस के इंसेक्ट्स को डेवलपमेंट को हम क्या बोलते हैं हिमी मेटाबोलिस बोलते हैं ठीक है जिसमें कंप्लीट लार्वा एबसेंट है उसको हम क्या बोलते हैं एमेटाबोलिस बोलते हैं और जिसमें लार्वल स्टेज प्रेजेंट है एडल्ट भी प्रेजेंट है पोपा भी प्रेजेंट है उसको हम क्या बोलते हैं दैट इज द होमो होलोमेटाबोलिस ओके सो so, अगर हम निम्ब की बात करेंगे तो निम्ब आर पेल ग्रीन इन कलर विद लॉन्ग लेग एंड विदाउट विंग्स ठीक है सो निम्ब स्टार्ट फीडिंग थ्रू सकिंग थ्री टू फोर आवर्स आफ्टर एमरजेंस ठीक है जैसे ही एक निम्प में कन्वर्ट हो जाएगा एक हैच हो के निम्फ में कन्वर्ट होगा तो वो निम्ब तीन चार घंटे के बाद जो आ, फीडिंग प्रोसेस है वो स्टार्ट कर देगा सो इट फीड्स बाई सकििंग द सेप ऑफ द प्लान्टो निम्फल ड्यूरेशन इज़ ट्वेंटी फाइव टू थर्टी डेज़ तो जो निम्ब का टाइमिंग है वो कितना है उसका लाइफ स्पेंड कितना है बीस पच्चीस से लेके तीस दिन सो विदिन दैट टाइम निम्फ मोल्टिक्स टाइम तो छः टाइम जो निम्फ है वो क्या हो जाता है वो मेटामॉर्फोसिस दिखाता है या मोल्टिंग दिखाता है तो so, एक निम्ब से दूसरी निम्फ में वो uh, या इंस्टाल लारवा में या वो कन्वर्ट हो जाता है सो सो द टोटल हम ऐसा बोल सकते हैं तो छः टाइम उसका मोल्टिंग होता है एंड देन विंग्स अपीयर एंड सेक्स ऑर्गन डेवलप तो उस पच्चीस तीस दिन के ड्यूरेशन में जैसे जैसे वो मोल्टिंग करेगा ठीक है वैसे वैसे उसमें जो एडल्ट के जो स्ट्रक्चर है वो डेवलप होना स्टार्ट करेगा जैसे कि जो विंग्स है या जो सेक्स ऑर्गन से वो उसमें डेवलप हो जाएंगे तो जैसे ही फिर वो एडल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा जो मेल है वो कोपोलेशन करना स्टार्ट कर देगा तो अगर हम एडल्ट नीम की बात करेंगे सो द एडल्ट इज़ मेच्योर एंड हैव विंग्स एंड हैज़ अ लाइफ स्पेन ऑफ अबाउट थर्टी टू थर्टी फाइव डेज तो जो लाइफ स्पेन कितना है एडल्ट नीम का दैट इज़ अबाउट थर्टी टू थर्टी फाइव डेज तो जो टोटल लाइफ साइकिल है इस पर्टिकुलर गंदी बग का दैट इज़ अबाउट फोर टू फाइव वीक्स सो देर आर फोर टू फाइव जनरेशन इन एयर तो एक साल में कम से कम इसके पांच छह जनरेशन या चार पांच जनरेशन देखने को मिलता है ठीक है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एडल्ट को देखो आप लिम्प को देखो दिस इज द फुल ग्राउन लिम्प ठीक है दिस इज अंग लिम्प ठीक है तो इसमें डिफरेंस लार्वा और एडल्ट मिन्ना डिफरेंस नहीं रहता है वो सेम ही दिखते हैं बट उनका जो स्ट्रक्चर्स है कुछ स्ट्रक्चर्स निम्फ में प्रेजेंट नहीं रहते हैं और कुछ स्ट्रक्चर्स निम्फ में बहुत छोटे रहते हैं तो ये डिफरेंस है किसमें मेटाबुलस और हिमी मेटाबुलस जो इंसेक्ट्स हैं उनमें तो अगर हम इको बिहेवियर देखेंगे इस पर्टिकुलर गंदी वक्त का सो द बेस्ट पॉपुलेशन इज़ मैक्सिमम फ्राम सेप्टेम्बर टू अक्टूबर तो इनका जो पॉपुलेशन देखा गया है सबसे ज़्यादा वो सेप्टेम्बर से अक्टूबर में इस महीने में देखा गया है ठीक है और जब वो विंटर जैसे स्टार्ट होगा जो ये पेस्ट पॉपुलेशन है वो क्या हो जाएगा धीरे धीरे इनका पॉपुलेशन डिक्रीज हो जाएगा और जो पेस्ट है वो हाइबरनेशन में चला जाएगा इन द ग्रास ग्रास में वो मेनली हाइबर हाइबरनेट करते हैं तो अगर हम डैमेज की बात करेंगे सो द इंसेक्ट जनरली अपीयर ऑन राइस जस्ट बिफोर फ्लावरिंग स्टेज ठीक है तो ये राइस या जो पैड़ी है वहाँ पर देखने को मिलता है बिफोर द फ्लोरिंग स्टेज हैज स्टार्टिड एंड कंटिन्यूज अनटिल द पेनिकल्स रिपन ठीक है तो जब तक वहाँ पे जो पेनिकल्स है वो पक नहीं जाते तब तक ये निम्स वहाँ पे आपको देखने को ये इंसेक्ट आपको उस पर्टिकुलर प्लांट पे देखने को मिलेगा जो ये लिम्स है और जो एडल्ट्स है वो मेनली जो सैप है उसको सक करता है फ्रॉम द पेडंकल टेंडर स्टेम एंड मिल्की ग्रेन्स ठीक है तो ग्रेन्स में से या जो स्टेम्स है जो पिडंकल है या जो लीव्स है, है वहाँ से वो क्या करते हैं जो सैप है उसको सक करते हैं ठीक है सो दिस सकिंग ऑफ मिल्की सैप फ्रॉम द डेवलपिंग ग्रेन्स ऑफ राइस बाय इंसर्टिंग द प्रोबोसिस विद इन द ईयर तो वो साथ साथ में जो राइस है वहाँ से भी जो सैप है उसको uh, सक कर लेते हैं तो वहाँ पे uh, पीछे कुछ भी नहीं बचता है इन द राइस सो इट हैज़ बीन एस्टिमेटेड दैट इन व्हीट इन द वेस्ट बंगाल देश काज इज लॉस अप टू फोर्टी नाइन परसेंट ठीक है तो फोर्टी नाइन परसेंट तक ये जो पेस्ट है वो क्या करता है वेस्ट बंगाल में डैमेज पहुंचाता है मेनली जो भी पेडी फील्ड पेडी uh, क्रॉप्स है या जो राइस क्रॉप्स है उनको तो अगर हम डैमेज सिम्टम्स की बात करेंगे तो मेनली ब्राउनिस्ड पॉट्स देखने को मिलते हैं ग्रीनस में ठीक है हनी ड्यू ऑन द ग्रेन लीड्स टू शूटी मोल्ड्स एंड द एंटायर हेड में बिकम डिवाइड ऑफ ग्रेन्स ठीक है तो वहाँ पर आपको एक तो ब्रॉनिजोर्ड देखने को मिलेंगे ग्रेन पे और साथ साथ में एक हनी ड्यू जैसा ग्रेन पे देखने को मिलेगा जिससे वहाँ पर शूटी मोल्ड्स या जिसको हम क्या बोलेंगे वहाँ पे फंगस डेवलप हो जाएगा और जो ईयर होगा ठीक है जहाँ पे मेनली जो व्हीट या जो ग्रेन फॉर्म होता है वहाँ पे आपको ग्रेन देखने को नहीं मिलेगा तो ये इतना डैमेज ये करता है कि इसको इस पर्टिकुलर क्रॉप्स को तो अगर हम कंट्रोल की बात करेंगे या प्रिवेंशन की बात करेंगे तो अगर हम फिज़िकल कंट्रोल की बात करेंगे सो so, एक बियरिंग लीव शुड बी क्लिप्ड एंड बर्न तो जहाँ लीव्स पे एक्स प्रेजेंट होंगे तो हम उसको मैकेनिकली इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं बाय बर्निंग द लीव्स या बाय डिगिंग द लीव्स ठीक है तो हम लीव्स को वहाँ से हटा देंगे और लीव्स को जला देंगे तो एक फिजिकल कंट्रोल होगा तो और एडल्ट शुड बी कैप्चर थ्रू लाइट ट्रैप्स एंड डिस्ट्रॉ ठीक है तो हम लाइट ट्रैप्स बना के एडल्ट को पकड़ के कैप्चर करके उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं तो ये एक फ़िजिकल या मैकेनिकल कंट्रोल है जिसके थ्रू हम इस पर्टिकुलर पेस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं और अगर... तो अगर हम केमिकल कंट्रोल की बात करेंगे तो हम आ, जो हमारा क्रॉप है बिफोर फ्लावरिंग हम ट्वेंटी 25... फाइव परसेंट बी एच सी से उसको डस्ट कर सकते हैं वहाँ पर स्प्रे कर सकते हैं सो दैट इज़ द बेंजीन हेजा क्लोराइट उसका डस्टिंग कर सकते हैं या हम दूसरे केमिकल्स का भी यूज़ कर सकते हैं जैसे कि टू पॉइंट फाइव परसेंट एल्ड्रीन यूज़ कर सकते हैं फाइव परसेंट क्लोरोडेन यूज़ कर सकते हैं तो नॉर्मली उसके बाद हम फ्लोरिंग के बाद हम फाइव टू टेन परसेंट फिर से बेंजा हेक्जा क्लोराइट यूज़ कर सकते हैं तो अगर हम कल्चरल कंट्रोल की बात करेंगे तो मेनली ये जो पेस्ट है वो ग्रासेस पे अपने एक्स को ले करता है और हाइबरनेट भी ग्रासेस पे करता है तो हम उस पेड़ी फील्ड के सराउंडिंग में जो भी ग्रासेस होंगे उसको रिमूव कर सकते हैं ठीक है सो दैट इज़ ए कल्चरल कंट्रोल और हम एक रेजिस्टेंट वैरायटी को भी यूज़ कर सकते हैं देट इज़ द लीव होपर रेजिस्टेंस पेडी वराइटीज़ अगर हम उसको यूज़ करेंगे उसको इंट्रोड्यूस करेंगे हमारे फील्ड में तो वो एक हद तक इस पर्टिकुलर पेस्ट को कंट्रोल कर सकता है ठीक है उसके बाद है जो नेक्स्ट पेडी का जो पेस्ट है दैट इज़ द पेडी ग्रास होपर जिसको हम क्या बोलते हैं हीरो ग्लाइफस निकरो रेपलेटस बॉलीवर ओके सो अगर हम इसकी सिस्टेमिक पोजिशन देखेंगे तो इट बिलोंग्स टू तो क्लास इंसेक्टा ऑर्डर और, ऑर्थोपटेरा फैमिली आरक्टाइडी और जीनस है हीरो ग्लाइफस और स्पीशीज है निक्रो रेपलेटस ठीक है तो अगर हम इसकी डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे तो इट इज़ वाइल्डली स्पोरेडिक पेस्ट ऑफ पेड़ी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर इंडिया श्रीलंका पाकिस्तान वतनाम थाईलैंड एंड साउथ चाइना तो मेनली ये जो एशियन कंट्रीज़ से वहाँ पे वो ये पाए जाते हैं जहाँ जहाँ पे, पे पेड़ी वो, uh, मिल uh, पाया जाता है ओके okay, वहाँ पे ये जो पेस्ट है वो मिलेगा आपको सो so, हम होस्ट प्लांट की बात करेंगे जो प्राइमरी पेस्ट है जो पेस्ट इसका प्राइमरी होस्ट है दैट इज़ द पेड़ी उसके अलावा इसके सेकेंडरी होस्ट भी हैं जैसे कि शुगर कैन है जौवर है बाजरा है मेज है मिलेट है अरहर है ग्रासेस है एट्सट्रा तो इट इज़ ए पॉलीफेगस पेस्ट विच हैव नंबर ऑफ पेस्ट ओके देन उसके बाद अगर हम लाइफ साइकिल की अपीरेंस uh, की बात करेंगे सो so जो एडल्ट हुपर्स हैं दे आर ग्रीनिश इन कलर और ग्रीनिश येलोइश इन कलर ठीक है देन फीमेल्स आर थ्री टू फाइव थ्री पॉइंट फाइव टू फाइव पॉइंट फाइव सेंटीमीटर लॉन्ग एंड मेल्स आर थ्री टू फोर सेंटीमीटर लॉन्ग दैट इज फीमेल आर लिटिल बिट लार्जर और रिलेटिवली लार्जर देन द मेल्स सो देयर आर थ्री ब्लैक लाइन्स रनिंग लेटरली ऑन इधर साइड ऑफ द थॉरैक्स मैं आपको यहाँ पर डायग्राम दिखा दूँगा तो आपको पता चल जाएगा ओके सो द एडल्ट हुपस अपीयर्स इन मैक्रोपटेरस एंड ब्रेक्यूब टेरस फॉर्म्स ठीक है तो जो एडल्ट हुपर है वो आपको दो फॉर्म्स में देखने को मिलेंगे एक मैक्रोप टेरस दैट हैविंग लॉन्ग विंग्ड एंड ब्रेक्रूब टेरस हैविंग स्मॉल विंग्स सो अगर हम निम्स की बात करेंगे सो so, निम्स आर इनिशियली पिंकिश बट वेरी सोन चेंज इन टू एडल्ट कलर तो जो एक्स के बाद जो निम्स फॉर्म होते हैं तो वो निम्ब पिंकिश कलर के होते हैं और जैसे जैसे वो एडल्ट में कन्वर्ट होते जाएंगे तो उस टाइम का कलर एडल्ट की तरह होता जाएगा <coughs> <coughs> तो अगर हम लाइफ साइकिल की बात करेंगे सो दिस पर्टिकुलर प्लेस कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल इन टू थ्री स्टेज दैट इज द एक्स नेम्स एंड द एडल्ट तो अगर हम एक्स uh, की बात करेंगे सो एक्स आर लेड इन द दॉयल ऑफ ग्रासी बर्नस अराउंड द पेड़ी फील्ड्स ठीक है जो भी ग्रासी पार्ट्स हैं या जहाँ पे ग्रास उगे हुए होंगे उस पेड़ी फील्ड की सराउंडिंग में तो वहाँ पर वो अपने एक्स को ले करते हैं सो द एक्स लाई डॉर्मेंट इन द इन्फेस्टेड फील्ड टिल अबाउट जून ठीक है तो वो जो एक्स है वो डॉर्मेंट फॉर्म में होंगे ठीक है कब तक जून के महीने तक ठीक है वन द फर्स्ट शॉवर ऑफ मानसून कम जब जैसे ही बारिश स्टार्ट होगा तब तक ये जो एक्स है वो फील्ड के अंदर डॉर्मेंट फॉर्म में प्रजेंट होंगे दैन द फीमेल वैन फिट टू लेक्स इंसर्ट हर एबडोमन इन द सॉफ्ट ग्राउंड जब फीमेल आ, मेटिंग करेंगे मेटिंग के बाद जब रिपोर्ट रिप्रोडक्शन का जब टाइम आएगा ठीक है जब एग लेंग का टाइम आएगा उस टाइम पे मेनली जो सॉइल है जहाँ सॉफ्ट सॉइल है वहाँ पे अपने एब्डोमेन को इंसर्ट uh, करके एग्स को uh, ले करेगा ठीक है सो देन इट लेस एग्स इन मासिस दैट इज़ एग पॉट देन ए फ्लूड इज सिक्रेटेड एंड दैट हार्डनेस इन टू ए कैप्सूल हार्डन इंटू ए कैप्सूल और एग पॉड इनक्लोजिंग क्लोजिंग द एक्स ठीक है तो वो एक्स को ले करता है किसमें एक्स पॉड्स में ठीक है तो जैसे ही वो एक्स ले करता है तो उसके ऊपर वो कुछ सिक्रीशन रिलीज करता है जो हार्ड हो जाता है और एक कैप्सूल फॉर्म करता है जिससे उस एक्स को प्रोटेक्शन मिलता है सो ईच फीमेल लेज अबाउट थ्री टू फाइव एग पॉट्स तो अगर हम एक फ़ीमेल की बात करेंगे तो एक फ़ीमेल कम से कम छः तीन से ले कर एग क्या करता है ले करता है सो so, एक एक पोर्ट में कम से कम तीस से चालीस एक्स आर प्रेजेंट सो एक्स इज़ यूजली ले ड्यूरिंग मिड अगस्त टू अक्टूबर तो मेनली मिड अगस्त से अक्टूबर में फीमेल ले करता है एक्स को सो दिस एक्स आर हैच आफ्टर सेवन टू एट मंथ्स ठीक है कम से कम सात से आठ महीने लगते हैं उन पर्टिकुलर एक्स को हैच होने के लिए देन अगर हम निम्फ की बात करेंगे तो सात से आठ महीने के बाद जब ये एक्स हैच करेंगे सो दे विल कन्वर्ट इन टू नीम्स सो द न्यूली एमर्ज नीम्स आर जनरली ग्रीन इन कलर ठीक है तो पहले तो वो पिंकिश कलर में होते हैं ग्रीनिश कलर में होते हैं और धीरे धीरे वो पिंक कलर अपीयर होने लगता है उनके बॉडी पे ठीक है एंड लेटर दैट इज़ कन्वर्टेड टू ग्रीन अगेन पहले ग्रीन उसके बाद पिंकिश उसके बाद फिर से वो ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाते हैं सो दे स्टार्ट फीडिंग actively on grass and attain full grown nymphal stage by the middle of September. तो ये mainly जो grass है वहाँ पर वो feed करते हैं और uh, middle of September में या mid September में ये जो uh, nymph है वो full grown nymphal stage में convert हो जाते हैं so the nymphs mature into adult by casting of their skin five to six times at every interval of ten to fifteen days. हर दस पंद्रह दिन के बाद वो जो nymph है वो कास्टिंग ऑफ वहाँ पे शो करता है दैट इज़ मोल्टिंग शो करता है और अपने एक स्टेज से सेकेंड इंस्टाल लार्वा सेकेंड इंस्टॉल लार्वा से थर्ड इंस्टल निम्फ उसमें कन्वर्ट हो जाता है तो कम से कम पाँच से छः टाइम्स वो इस तरीके से निम्फल स्टेज दिखाता है और फाइनली देन इट विल कन्वर्ट इन टू द एडल्ट तो जो निम्फल पीरियड है वो भी कम से कम दो से तीन महीने तक रहता है दो तो तीन महीने के बाद जब वो निम्फ टोटली कंप्लीटली ग्रो करता है देन इट विल कन्वर्ट इन टू द एडल्ट तो अगर हम एडल्ट की बात करेंगे सो एडल्ट आफ्टर ए फ्यू डेज आफ्टर अटेंडिंग एडल्ट दे स्टार्ट मेटिंग इन सेप्टेम्बर और अर्ली अक्टूबर जैसे वो एडल्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे तो कुछ दिन के बाद वो मेटिंग या कॉपोलेशन स्टार्ट करेंगे ठीक है तो मेनली अगर हम बात करेंगे आ, उसकी मंथ की तो दैट इज सेप्टेम्बर टू अर्ली अक्टूबर सो द मेल डाइज आफ्टर कॉपोलेशन वाइल द फीमेल डाइज आफ्टर ओवी पोजिशन तो जो मेल है वो मर जाता है कब जब मेटिंग होता है कॉपुलेशन के बाद लाइक हनी भी और जो फीमेल है वो एक् करने के बाद मर जाता है ठीक है सो देयर इज़ यूजुअली वन जनरेशन पर ईयर इन द एडल्ट पास विंटर इन वीट ग्रास अराउंड द राइस फील्ड तो सिर्फ साल में एक ही जनरेशन होता है और जो एक्स है वो जो ग्रास है वहाँ पे वो अपना जो विंटर है वो पास करता है ओके okay. सो so अगर हम इको बिहेवियर देखेंगे तो एडल्ट एंड निम्स आर एक्टिव ड्यूरिंग आफ्टरनून टू इवनिंग हाई ह्यूमिडिटी एंड ऑप्टिमम टेम्परेचर आर प्रेफर्ड बाई देम डेवलपमेंटल एट्रीब्यूट आर मेटेन ड्यूरिंग रेनी सीजन द ओपर एंजॉय डॉरमेंसी इन एक्स स्टेज फॉर सेवन टू एट मंथ जो इसका इको बिहेवियर हम देखेंगे दैट इज <coughs> जो एडल्ट और निम्स हैं वो मेनली एक्टिव रहते हैं ड्यूरिंग कप आफ्टरनून और इवनिंग में और हाई um, इमिडिटी और ऑप्टिमम टेम्परेचर उनको चाहिए ताकि वो प्रॉपरली डेवलप हो सके और जो डेवलपमेंटल एट्रब्यूट्स हैं वो मेनली रेनी सीजन पे डिपेंड करता है ओके okay, तो जितना टेम्परेचर और जितना ह्यूमिडिटी होगा उतना उनके डेवलपमेंट के लिए क्या होगा फ़ायदेमंद होगा तो जो ये होपर है उनके जो एग है वो डोरमेंट स्टेज में रहता है कम से कम सात से आठ मंथ के लिए तो ये इनका इको बिहेवियर है अगर हम डिमेज की बात करेंगे तो जो डमेज है Uh, जो क्रॉप को में जो पहुंचता है वो दोनों निम्स भी पहुंचता है और एडल्ट से भी पहुंचता है जो मेनली लीव्स और शूट पे डिपेंड करते हैं सो द डैमेज इज मैक्सिमम ड्यूरिंग अगस्त सेप्टेम्बर एंड द पेस्ट में टेक एन एपिडेमिक फॉर्म इन फेवरेबल कंडीशन दैट इज प्लेंटी ऑफ रेन ठीक है तो मेनली जो डैमेज वो होता है अगस्त से लेके सितंबर तक होता है और कभी कभार यही जो पेस्ट है वो एपिडेमिक फॉर्म लेता है क्योंकि उस टाइम पे अगर उसको फेवरेबल कंडीशन मिल गया दैट इज़ अ प्लेंटी ऑफ रेन तो वो एपिडेमिक फॉर्म ले सकता है ठीक है दैट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर द फॉर द क्रॉप्स सो इन्फेस्टेशन से क्या होता है द जो लीव्स है वो कम्प्लीटली ईटन ठीक है तो वो जो लार्वा है पूरे लीव्स uh, को कम्प्लीटली खा जाता है ठीक है बींग द मिड ड्रिप एंड स्टॉक ठीक है चाहे मिड ड्रिप हो या स्टॉक हो पूरा लिप्स को वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं अगर हम ईयर हेड की बात करेंगे तो द प्लान द एडल्ट एडल्टेस अटैक द ईयर्स लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ वाइट ईयर्स अटैक लीड्स व कम्प्लीट डिफोलेशन ठीक है अगर हम हेड ईयर्स की बात करेंगे तो जो हमारे ग्रेन्स की बात करेंगे तो वो ग्रेन्स पे अटैक करते हैं और वहाँ पे वाइट ईयर्स हमको देखने को मिलता है जैसे कि हमने पहले उसमें पढ़ा था वाइट ईयर्स के बारे में और अगर बहुत ज़्यादा अटैक किया है डैमेज हुआ इस पर्टिकुलर पेस्ट की वजह से तो वहाँ पर कंप्लीट डिफॉइलीशन हमको देखने को मिलता है या डिस्ट्रक्शन देखने को मिलता है इस पर्टिकुलर पेस्ट की वजह से तो अगर हम कंट्रोल मेजर देखेंगे तो फिजिकल कंट्रोल है केमिकल कंट्रोल है और कल्चरल कंट्रोल है अगर हम फिजिकल कंट्रोल की बात करेंगे तो हम जी ये जो होपर है जो एडल्ट है उसको हम मैनुअली या नेट कले नेट कलेक्शन से इसको कलेक्ट कर सकते हैं कलेक्ट करने के बाद उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ठीक है कलेक्शन कुड ऑल्सो भी डन विद द हेल्प ऑफ टीस कोट विद सम एडिसिव लाइक कोलतार ठीक है हम टिंस का भी यूज़ करते हैं जहाँ पे हम कोलतार डालेंगे तो ये जो uh, ग्रास होपर है या होपर है वो वहाँ पे स्टिक uh, हो जाएंगे और इस तरीके से हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं अगर हम केमिकल कंट्रोल की बात करेंगे तो हम कुछ इंसेक्टिसाइड्स uh, का यूज़ कर सकते हैं जैसे कि कोइनल फोर्स दैट इज़ वन पॉइंट फाइव परसेंट अगर हम उसको डस्टिंग करेंगे कोइनल फोर्स uh, से वन पॉइंट फाइव परसेंट क्वारल फोर्स से मेनली इन द मॉर्निंग और uh, अगर हम उसको स्प्रे करेंगे किसके साथ जीरो पॉइंट फाइव परसेंट फेनी थ्रोथिन फेनी थ्रोथायोन और एंडोसल्फान से तो ये भी हमारे क्रॉप को बचा सकता है फ्रॉम द दिस पर्टिकुलर पेस्ट डेमेज तो अगर हम कलचुरल कंट्रोल की बात करेंगे तो डीप लफिंग ऑफ द बर्नस रीजन ड्यूरिंग मे इन जून टू क्रश और एक्सपोज द एग पोर्ट्स डेसिकेट अंडर द सन अगर हम डीप प्लफिंग करेंगे पूरे आ, अंदर तक हम अगर वहाँ पर हल चलाएँगे तो जो एग्स है वो बाहर एक्सपोज हो जाएंगे और वो जो एग्स हैं ड्यू टू तो डेसिकेशन वाटर लॉस की वजह से वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे और साथ में उस एक्स के अंदर जो निम्पस है या जो भी लार्वा है वो भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा सो दिस इज़ ऑल अबाउट पेस्ट दैट इज़ द Pest, which is a pest of paddy. तो आप जो नेक्स्ट पेस्ट है पैड़ी का दैट इज द पैड़ी गार्ल फ्लाई पैकेड ब्लॉसिस और जिसको यह वुड मैंसोन भी कहा जाता है सो इट इज ऑल्सो नोन एज और अगर हम सिस्टमेटिक पोजिशन देखेंगे तो इट बिलोंग्स टू क्लास इनसे ऑर्डर डाइटेरा फैमिली सीसी माइड माइ एंड जीनस पैकेट डिप्लोसिस और स्पीशीज और इजी अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे तो इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड इन दोज एरिया वेयर पेड़ी इज़ फाउंड लाइक उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र मैसूर आंध्र प्रदेश उड़ीसा आसाम एंड वेस्ट बंगाल अगर इंडिया से बाहर देखेंगे तो इट इज़ फाउंड इन अफ्रीका पाकिस्तान एंड साउथ ईस्ट एशिया तो उसके बाद अगर हम होस्ट प्लांट की देखेंगे तो इट हैज़ मोनोफेगस नेचर दैट इज इट हैज़ ओनली वन होस्ट प्लान दैट इज़ पेड़ी क्रॉप तो ये सिर्फ पेडी क्रॉप प्लांट का पेस्ट है तो अपीरेंस की बात करेंगे तो आपको डायग्राम में दिख रहा होगा द फ्लाई इज़ डेलीकेट मॉस्क्यूटो लाइक इंसेक्ट सो इट हैज़ स्लेंडर लेग्स हैरी विंग्स एंड बी डिड एंटीना द फीमेल हैज़ ब्राइट रेड एंड स्टाउट एबडोम एंड द मेल इज डार्कर ओके okay. तो अगर हम लाइफ साइकिल की बात करेंगे तो इट हैज़ फोर स्टेज दैट इज़ द एग लारवा पुपाइन एडन द लार्वा इज़ कॉल्ड मैगॉट तो हम एक का देखेंगे सो तो द फीमेल लेज रेडिश इलोंगेटिड एक्स ऑन द लीव्स और स्टेम लीव्स और स्टेम्स पे जो फीमेल है वो एक ले करता है और जो एग का साइज है दैट इज़ जीरो पॉइंट फाइव मिलीमीटर इंटू जीरो पॉइंट प्य 12 मिलीमीटर mm, जो इंक्यूबेशन पीरियड है दैट इज़ थ्री टू फाइव डेज आफ्टर थ्री टू फोर डेज द एग हैच इन टू द लार्वा दैट इज़ द मे गॉड सो इट इज़ वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाय रिलेटिव ह्यूमिडिटी तो जितना ह्यूडिटी होगा उतना उसका जो uh, हैचिंग कैपेसिटी है वो ज़्यादा होगा तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी एटी टू एटी एट परसेंट डिजिगनेट फेवरेबल कंडीशन सो एग कैपेसिटी ऑफ ए फीमेल इज हंड्रेड टू थ्री हंड्रेड तो सौ से लेके तीन सौ तक जो फीमेल है वो एग ले करता है और रिलेटिव ह्यूमिडिटी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पर तो अगर अच्छा हैचिंग uh, होना है तो कम से कम एटी टू एटी एट परसेंट ह्यूमिडिटी होनी चाहिए उस पर्टिकुलर जगह की तो उसके बाद मैगॉट की बात करेंगे सो द मैगॉट आफ्टर थ्री टू फाइव डेज द एग्स हैच इज़ इंटू द लार्वा दैट इज़ द मैगॉट

तो जो न्यू हैच लारो है जिसको हम मैगॉट कहते हैं वो फुटलेस होता है और उसका जो हम लेंथ uh, देखेंगे तो इट इज़ वन मिलीमीटर लॉन्ग फेयरली स्टाउट विथ पॉइंटेड इंटीरियर एंड एंड पेल इन कलर थोड़ा सा पेल रहता है कलर में और जो स्टाउट है वो थोड़ा सा पॉइंटेड रहता है एंड इट ग्रोस अप टू थ्री मिली मीटर इन साइज एंड द कलर चेंजेस फ्रॉम क्रीम टू पेलेट ठीक है तो जो पहले क्रीम कलर था अब वो पेल रेड में कन्वर्ट हो जाएगा सो द लार्वा क्रॉल्स ओवर द लीफ शीट टिल इट रीच द बेस ऑफ द शूट ठीक है तो ये जो लार्वा है वो लीफ से आगे क्रॉल करता है और शूट के बेस तक पहुँचने तक ये क्रॉल करता जाता है सो so इसके बाद जो लार्वा है वो स्टेम के पास पहुँचने के बाद उस लार्वा उस स्टेम को बोर करके उसमें होल क्रिएट करके वो लार्वा उस स्टेम के अंदर चला जाता है सो so जो लार्वल पीरियड है दैट इज अबाउट टेन टू फिफ्टीन डेज टेन टू फिफ्टीन डेज के बाद जो लार्वा है वो पोपा स्टेज में चला जाता है वहाँ पे पोपेशन हो जाता है देन उसके बाद है पोपा आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द लार्वल स्टेज इन अंडर गोज पोपेशन विद इन द स्टेम बेस स्टेम बेस में ही वो पोपेशन में चला जाता है सो so, अगर हम पोपा की बात करेंगे तो इट इज़ अबाउट टू 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 पॉइंट फाइव मिली लॉन्ग एंड जीरो पॉइंट सिक्स टू जीरो पॉइंट एट मिलीमीटर वाइट ये इसका लेंथ और ब्रेथ है विडिथ है अगर हम इनिशियली uh, देखेंगे तो जो uh, पोपा है इट एज पेल पिंक एंड देन इट बिकम्स डीप पिंक टू रेड तो जैसे जैसे पुपा का डेवलपमेंट होगा उस साथ वैसे वैसे उसका कलर भी चेंज होगा पहले पेल पिंक उसके बाद डीप पिंक उसके बाद रेड हो जाएगा पूरा सो द पोपा सेवरल रोज ऑफ एब्डोमिनल स्पॉट्स पुपल ड्यूरेशन इज़ फोर टू एट डेज तो वहाँ पे अगर आप पुपा को देखोगे तो वहाँ पे आपको बहुत सारे एब्डोमिनल uh, स्पॉट्स दिखेंगे और ये जो पोपा है इट कम्प्लीट्स इं टू फोर टू एट डेज फोर टू एट डेज के बाद जो पुप्पा है वो एडल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा तो अगर हम एडल्ट की बात करेंगे तो मेल्स आर अबाउट थ्री मिलीमीटर लॉन्ग विद येलोइश ब्राउन बॉडीज तो जो उसका कलर होता है वो कौन कैसा होता है येलोइश ब्राउन और अबाउट थ्री मिलीमीटर लॉन्ग तो फीमेल्स मेनली इस पेस्ट के क्या होते हैं रिलेटिवली लार्जर देन द मेल दैट इज़ हैविंग थ्री पॉइंट फाइव मिलीमीटर लॉन्ग बॉडी एज कम्पेयर टू मेल सो द बॉडी ऑफ फीमेल इज रेडिश ब्राउन ठीक है येल्लो इज ब्राउन नहीं रहता है रेडिश ब्राउन रहता है फीमेल का सो एंटीना ऑफ़ फीमेल आर मॉडरेटली थिक तो यहाँ पे आपको सेक्शुअल डायमोर्फिज्म देखने को मिल रहा है मेल और फीमेल में फीमेल थोड़ा सा बड़ा है साइज में फीमेल के एंटीना पे आपको थोड़ा सा मॉडरेटली थिक आपको दिखेगा ठीक है और जो फीमेल की बॉडी है वो रेडिश ब्राउन है मेल का जो बॉडी है वो येल्लोश ब्राउन है तो आपको यहाँ पर पूरा जो सेक्शुअल डायमोरफिजम देखने को मिल रहा है और जो लाइफ स्पेन है एडल्ट का दैट इज अबाउट वन टू फाइव डेज या थ्री टू फाइव डेज ठीक है टू टू डेज या कम से कम तीन से पाँच दिन में जो एडल्ट है वो मर जाता है और उसी पीरियड में वो लोग पॉपुलेशन और फर्टिलाइजेशन करते हैं और एक ले करते हैं आ, तो अगर हम इको बिहेवियर की बात करेंगे तो एडल्ट्स आर एक्टिव एट ऑन सैंड ऑफ मॉनसून जैसे ही मॉनसून स्टार्ट होगा जो एडल्ट्स है वो बहुत एक्टिव हो जाएंगे सो इन द्रास इट पासिस वन और टू जनरेशन एंड दे आर इट हाइबरनेट्स तो ग्रास में ही वो अपने एक से दो जनरेशन कम्प्लीट करते हैं और ग्रास में ही वो हाइबर नेट करते हैं दैन उसके बाद वो इंसेक्ट माइग्रेट uh, <coughs> करते हैं कहाँ पर पैडी क्रॉप्स की तरह पेड़ी क्रॉप्स की तरह फ्राम देट पर्टिकुलर ग्रास तो जो एडल्ट मेनली एक्टिव रहते हैं कप नाइट के टाइम पे और दिन में वो छुप जाते हैं और दे एफेक्ट द क्रॉप वेरी सीरियस दी वेन एवर द क्रॉप एज फाइव टू सिक्स तो जब क्रॉप की एज पाँच से छः हफ्ते हो जाती है या क्रॉप उगाने के बाद वो पाँच छः हफ्ते के बाद ये जो पेस्ट uh, है वो उसको बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है हमारे क्रॉप को और मेनली ये uh, जो पेस्ट है सो इट इज़ फाउंड इन वाटर लॉज इट एरियाज ठीक है जहाँ पे वाटर रुका हुआ हो जहाँ पे वाटर लॉज हुआ हुआ स्टॉप हुआ हो वहाँ पे ये ज़्यादा बहुत जल्दी से क्या होता है स्प्रेड होता है फैलता है तो अगर हम डैमेज की बात करेंगे सो द डैमेज टू द क्रॉप इज़ मेड बाय द मैगॉट जो लार्वा है उसका वो पहुँचाता है डैमेज मेनली जो क्रॉप से उनको जो फीड करता है कहाँ पर स्टेम के अंदर स्टेम को बोर करके स्टेम के अंदर जाके फिर स्टेम पे वो फीड करता है जो भी इंटरनल टिश्यूज़ है उन उनपे सो बिसाइड द फिजिकल डैमेज टू द क्रॉप इट प्रोड्यूस फिजोलॉजिकल चेंजेस इन द बॉडी हैम्परिंग द नॉर्मल ग्रोथ ऑफ द प्लांट ठीक है तो फिजोलॉजिकल चेंज तो वो करता है फिजोलॉजिकल डैमेज तो करता है उसके स्टेम्स को खा के साथ साथ में ये क्या करता है जो फिजोलॉजिकल चेंजेस है वो भी देखने को मिलता है ठीक है फिजिकल डैमेज तो करता है फिजोलॉजिकल डैमेज भी ये करता है फिजोलॉजिकल डैमेज में क्या आता है जैसे कि जो ग्रोथ है वो रुक जाता है प्लांट की ठीक है तो ग्रोथ डेवलपमेंट में ये क्या है? Hamper करता है हैम्पर करता है या एज ए हिंड्रेंस ये एक्ट करता है सो ड्यू टू द इंटरेक्शन बिटवीन द स्ाइवा ऑफ द इंसेक्ट एंड द टिश्यू ऑफ द प्लांट गॉल्स आर फॉर्म ठीक है जो स्लाइवा है और जो टिश्यू है इनके बीच में इंटरेक्शन होने की वजह से जो प्लांट्स है वहाँ पर ट्यूमर्स देखने को मिलते हैं दैट इज द गॉल जिसको हम बोलते हैं वहाँ पे देखने को मिलता है सो इट इज़ सीन एट द बेस बेसल रीजन ऑफ द प्लांट ड्यू टू द गॉल फॉर्मेशन देंट्रल शूट इज टर्नड इन टू अलो ट्यूब ऑफ सिल्वर ग्रीन कलर ठीक है तो होता क्या है कि जो बेसल रीजन है वहाँ पे आपको ये जो गॉल है वो देखने को मिलता है तो गॉल फॉर्मेशन से क्या होता है जो सेंट्रल शूट है वो टर्न हो जाता है कि इसमें एक होलो ट्यूब में विच इज़ ऑफ सिल्वर ग्रीन कलर सो हैंज द सिम्टम इज़ कॉल्ड सिल्वर शूट ठीक है तो इस पेस्ट से जो भी आपको सिम्टम्स देखने को मिलता है इस पेस्ट से जो भी डिजीज़ होता है उसको तो हम क्या बोलते हैं सिल्वर शूट बोलते हैं सो बिसाइड दिस स्टंटेड ग्रोथ एंड ग्रेनलेस ईयर्स आर द प्रोमिनेंट साइंस ऑफ द पेस्ट इन्फेस्टेशन तो इसके साथ साथ दूसरे भी सिम्टम्स हैं जैसे कि स्टंटिड ग्रोथ मतलब जो प्लांट है वो प्रॉपरली ग्रो नहीं कर पाता उसकी ग्रोथ रुक जाती है और वहाँ पर ईयर्स में हमको ग्रेन देखने को नहीं मिलता है ठीक है दैट इज ग्रेनलेस ईयर्स कंट्रोल मेजर क्या है यानी फिजिकल कंट्रोल में हम क्या कर सकते हैं एज द फ्लाइज अर पॉजिटिवली फोटोटेक्सिक ठीक है तो फो लाइट uh, की तरफ वो अट्रैक्ट हो जाते हैं सो दिस कुड बी ड्रॉन टू लाइट ट्रैप्स एंड किल ठीक है तो हम वहाँ पर लाइट ट्रैप्स बना सकते हैं और जो एडल्ट प्लांट्स है जो एडल्ट पेस्ट है उसको uh, मार सकते हैं ठीक है लाइट ट्रैप्स uh, बना के फोटो ट्रैप्स बना के तो केमिकल कंट्रोल क्या है हम जीरो पॉइंट जीरो थ्री परसेंट कार्ब कार्बारिल और फोस्फोमिडोन और डायमिथोट शुड बी डन फॉर ट्वेंटी टू फोर्टी फाइव डेज तो हम ये जो केमिकल्स है वो स्प्रे कर सकते हैं बीस से पैंतालीस दिन तक जब हम ट्रांसप्लांट करते हैं या हम प्लांटेशन करने के बीस से पैंतालीस दिन तक हम ये जो आ, के बाद हम ये जो केमिकल्स है जैसे दैट इज़ द जीरो पॉइंट थ्री परसेंट और फोसफामिडोन और डायमिथोट ठीक है तो इसको हम स्प्रे कर सकते हैं सो एल आई शुड बी रिपीटड फोर टू फाइव टाइम्स ड्यूरिंग द वलरेबल स्टेज तो हम इस केमिकल्स को स्प्रे कर सकते हैं कब चार से पाँच टाइम्स ड्यूरिंग द वलरेबल जब बहुत ज़्यादा डैमेज हो पहुँचने लगा है प्लांट्स को तो हम ये जो केमिकल्स है उसको चार से पाँच दिन के बाद हम स्प्रे कर सकते हैं या एक दिन में चार से पाँच टाइम हम उसको स्प्रे कर सकते हैं तो अगर हम कल्चरल कंट्रोल की देखेंगे So, of weeds and from the paddy crops, तो रिमूवल ऑफ वीड्स एंड ग्रासेस फ्रॉम द पेडी क्रॉप्स जो पेडी क्रॉप्स है उसके सराउंडिंग में जो भी वीड्स होंगे या जो ग्रासेस उसको हम रिमूव करेंगे और जो पेस्ट रेजिस्टेंट वेराइटीज़ हैं क्रॉप्स के वीट के उसको हम या पेडी के हम उसको यूज़ कर सकते हैं और वहाँ पे ग्रो कर सकते हैं सो दिस इज अबाउट द बेस्ट ऑफ पेड़ी दैट इज दैडी गल फ्लाई और पैकेडिपलोसिस और इज देन उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा जो लास्ट है दिस सॉरी दिस इज़ ऑल अबाउट द पेडी फ्लाई तो जो लास्ट है हमारा दैट इज़ द ग्रीन लीफ होपर जिसको हम क्या बोलते हैं निफोटेटिक्स निक्रोपिक्टस ठीक है अगर so, हम सिस्टमेटिक पोजीशन देखेंगे या टेक्नोमिक पोजीशन देखेंगे तो इट बिलोंग्स टू क्लास इंसेक्टा ऑर्डर हमिप्टेरा फैमिली सिकेडिलेडी ठीक है जीनस नेफोटेटिक्स एंड स्पीशीज नेग्रो पिकटस तो हम डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे तो इट इज़ सीन ऑल ग्राइस रोइंगइस ग्रोइंग एरियाज ऑफ द वर्ल्ड एंड इज़ नॉन इन साउदर्न जापान टू औरटल रीजन साउथ ऑस्ट्रेलिया साउथ टू ऑस्ट्रेलिया एंड वेस्ट वर्ल्ड ऑफ साउथ अफ्रीका तो ये इन जगह पर क्या है डिस्ट्रीब्यूटेड है अगर हम फोस्ट प्लांट के देखेंगे तो इट प्राइमरिली इट इज़ ए होस्ट ऑफ़ पेड़ी पेड़ी बट ड्यूरिंग ऑफ सीजन इट थ्राइव्स ऑन ग्रासेस ठीक है तो मेनली ये पेड़ी पे पेस्ट एज ए पेस्ट काम करते हैं बट कभी कभार वो जब ऑफ सीजन होगा तो उस टाइम पे वो ग्रासेस पे देखने को मिलता है एज ए पेस्ट ऑफ ग्रासेस तो अपीरेंस देखेंगे सो एडल्ट इंसेक्ट्स आर स्मॉल अबाउट फाइव मिलीमीटर लॉन्ग सो द बग्स आर ग्रीन इन कलर टू कंस्पीशियस ब्लैक स्पॉट्स ऑन द फॉर विंग्स टॉप डाइग्राम में देख सकते हैं तो अगर हम लाइफ साइकिल की बात करेंगे तो इट कम्प्लीट्स इट्स लाइफ साइकिल इन टू थ्री स्टेज दैट इज द एग निम्फ एंड एडल्ट सो एग्स आर लेड बाई ए ग्रेविड फीमेल इन क्लस्टर ऑफ फाइव टू ट्वेंटी ठीक है तो वह क्लस्टर में जो फीमेल है वो एग ले करता है सो ड्यूरिंग ओवी पोजिशन है फीमेल इंसर्ट इट इज़ ओवी पोजिटेड इन द लीव पेरेंट क्लाइमेट इशू तो जब एक ले करता है फीमेल तो जो उसका ओविपोजिटर है दैट इज द एब्डोमिनल रीजन है वो लीव के पेरेंट कैमेटिस टिश्यू में इंसर्ट करते हैं उसके बाद वो एग को ले करता है सो द एक्स आर लेड इन देयर इन लॉन्गिट्यूडनल रोज लॉन्गिट्यूडनल रोज में uh, एक ले होता है फीमेल लेज अबाउट ट्वेंटी टू ट्वेंटी फोर तो एक सिंगल क्लस्टर में कितना होता है बीस से चौबीस एक होता है तो वो पाँच से बीस क्लस्टर ऑफ़ एग्स रिलीज़ करता है तो इसके हिसाब से कम से कम हंड्रेड टू थ्री हंड्रेड एग्स आर लेड इन हर लाइफ टाइम सो ईच एग इज़ अबाउट वन मिलीमीटर लॉन्ग एंड जीरो पॉइंट थ्री मिली ब्रॉड सो इनक्यूबेशन पीरियड इज़ थ्री टू फाइव डेज़ ठीक है तो जो साइज़ है वो कितना है वन मिलीमीटर लॉन्ग है और ज़ीरो पॉइंट थ्री मिली ब्रॉड है और हम इनक्यूबेशन पीरियड की बात करेंगे या हैच होता है कब तीन से पाँच दिन के बाद सो so, अगर हम निम्फ की बात करेंगे तो जब एग हैच होगा तो वो निम्फ में कन्वर्ट होगा सो आफ्टर द कम्पलीशन ऑफ इंक्यूबेशन पीरियड निम्स कम आउट ऑफ द एग्स सो दीज आर ग्रीन कलर जो निम्फ किस कलर का है ग्रीन कलर का है सो द निम्स आर अलाइक टू द एडल्ट बट विदाउट विंग्स तो उनके पास सिर्फ विंग्स नहीं है बाकी वो एडल्ट की तरह ही दिखते हैं सो इट पासिस फाइव इंस्टार स्टेजेस निम्फल ड्यूरेशन इज़ फोर्टीन टू टू ट्वेंटी वन डेज तो जो स्टेजेस है निमफल स्टेजेस दैट इज़ कंप्लीट इनटू फाइव टू फाइव स्टेजेस ठीक है तो पाँच इंस्टार निम्फ वहाँ पर फॉर्म होगा देन वो जो निम्फ है वो एडल्ट में कन्वर्ट होगा तो ये जो ड्यूरेशन है जिसमें ये पाँच इंस्टार लार्वा देखने को मिलता है इट इज़ अबाउट फोर्टीन टू ट्वेंटी वन डेज तो फोर्टीन टू ट्वेंटी वन डेज में जो निम्फ है वो एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है तो अगर हम एडल्ट की बात करेंगे तो जब निम्फ फिफ्थ इंस्टार लार्वा के बाद जो फुली डेवलप्ड निम्फ होगा वो अब एडल्ट में मॉल्ट करेगा वो जो फिफ्थ इंस्टार लार्वा है वो मॉल्टिंग के बाद जो एडल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा एंड uh, एडल्ट में कन्वर्ट होने के बाद सिर्फ डिफरेंस क्या था विंग्स का था वहाँ पे विंग्स डेवलप हो जाएंगे सो so, एडल्ट इंसेक्ट्स आर ग्रीन कलर एडल्ट इंसेक्ट्स भी क्या है कलर में ग्रीन है सो दे सक सेप फ्रॉम लीव्स तो जो लीव्स है उनका जो सेप है उसको वो सक करते हैं या उन पर फीड करते हैं तो जो एवरेज लाइफ साइकिल है दैट इज़ ट्वेंटी फाइव टू ट्वेंटी नाइन डेज ठीक है तो एडल्ट कम से कम छः से सात दिन रहता है और अगर हम पूरे कंप्लीट लाइफ साइकिल की बात करेंगे तो ट्वेंटी सेवन टू ट्वेंटी नाइन डेज़ में ये जो ग्रीन लीफ होपर है अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है तो अगर हम जनरेशन की बात करेंगे तो एक साल में कम से कम पाँच से छः जनरेशन देखने को मिलता है इस पर्टिकुलर ग्रीन लीफ होपर का तो अगर हम इको बिहेवियर देखेंगे द होप्पर पेस्ट जो पॉपुलेशन इंसीडेंस ओवर पेडी क्रॉप फ्राम जुलाई टू अक्टूबर तो मेनली ये जो इनक्यूबेशन जो या इनिशिएशन कब करता है इन्फेस्टेशन कब करता है मेनली जुलाई टू अक्टूबर में पेडी क्रॉप के ऊपर ठीक है तो जब इनका पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होता है तो ड्यूरिंग ऑफ सीज़न इट पासिस इन द ग्रासेज जब सीज़न ख़त्म हो जाएगा पेडी का तब वो ग्रासेस में जाके फीड करते हैं वहाँ पर अपना लाइफ गुजारते हैं ओके सो हाई ह्यूमिडिटी लीड्स टू द पॉपुलेशन ग्रोथ ऑफ़ द पेस्ट। तो जितना ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगा उतना इसकी ग्रोथ में या इसकी पॉपुलेशन में डेवलपमेंट होगा या पॉपुलेशन की ग्रोथ होगी तो ह्यूमिडिटी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इनके डेवलपमेंटल प्रोसेस में तो अगर हम डैमेज देखेंगे तो जो डैमेज है इट इज़ कॉज बाय बोथ नीम्स एंड एडल्ट ठीक है मेनली बाय सकिंग द प्लांट प्लान्टप ठीक है तो एडल्ट नीम में से सेप को सक करता है और जो नीम्स uh, है वो स्टेम में से सक uh, जो नीम्स है उसको सक करता है सो इट ट्रांसमिट टू वायरल डिजीज साथ में साथ में ये जो नीम्स है ये जो एडल्ट है वो दो वायरल डिजीजेज प्लांट में ट्रांसमिट करता है देट इज़ अ टूंगरो एंड येल्लो डॉर्फ ऑन राइस एंड अज्यूम लार्ज डायमेंशन एंड थ्रेटन राइस कल्टिवेशन तो ये जो वायरल डिजीज है वो राइस में फैलाता है और राइस में आ, राइस को डेमेज पहुंचाता है और राइस कल्टीवेशन में एक ये खतरा साबित होता है सो द वायरल इन्फेक्शन कॉज स्टंटेड ग्रोथ ऑफ द प्लांट विदाउट फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग स्टेजेस ठीक है तो जब ये वायरल इन्फेक्ट होगा तो इससे क्या होगा प्लांट की ग्रोथ रुक जाएगी और ना वहाँ पर आपको फ्लावरिंग देखने को मिलेगा ना हमको वहाँ पे ग्रेन्स देखने को मिलेंगे या फ्रूटिंग स्टेज देखने को मिलेगा सो so, जो इनिशियल इन्फेस्टेशन है उससे क्या होता है जो प्लांट है उसका ब्राउन ब्राउनिंग होना स्टार्ट हो जाता है जो प्लांट है वो ब्राउन कलर का हो जाता है विच इज़ कॉमनली कॉल्ड होपर बर्न ठीक है जिसको जिसको क्या बोलते हैं कॉमनली होपर बर्न कहते हैं जैसे लगता है कि वो जला हुआ है तो इसीलिए उसको बोलते हैं होपर बर्न तो कंट्रोल मेजर में क्या आता है फिजिकल कंट्रोल है जैसे कि एग बियरिंग लीव्स शुड बी क्लिप्ड एंड बर्न जहाँ पर एग प्रजेंट होकर उन लीव्स को हम काट के उसको जला सकते हैं एंड एडल्ट शुड बी कैप्चर्ड इन लाइट ट्रैप्स एंड डिस्ट्रॉयड तो जो ये एडल्ट है वो लाइट की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं तो हम वहाँ पे फ़ोटो ट्रैप्स बना सकते हैं लाइट ट्रैप्स बना सकते हैं जिससे हम उस एडल्ट को आ, ट्रैप करके उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं अगर हम केमिकल की बात करेंगे तो हम कुछ केमिकल स्प्रे कर सकते हैं जैसे कि फोसेलोन है मोनोकोट्रॉप्स है, मोनक्रोट्रोप्स है और क्लोरोपायरोप्स है एट्सट्रा एट ज़ीरो पॉइंट फाइव के जी पर हेक्टर हैज़ बीन फाउंड इफेक्टिव इन कंट्रोलिंग द पेस्ट तो हम ये केमिकल्स ज़ीरो पॉइंट फाइव के जी पर हेक्टर के हिसाब से हम स्प्रे कर सकते हैं यूज़ कर सकते हैं जो बहुत इफेक्टिव पेस्ट कंट्रोलिंग एजेंट साबित हुए हैं ठीक है थीके? सो so, अगर हम कल्चरल कंट्रोल की बात करेंगे जो सराउंडिंग एरियाज़ में जो भी वीड्स हैं ग्रास हैं हम उसको साफ़ करेंगे उसको डिस्ट्रॉय करेंगे और जो भी इंसेक्ट्स प्रेजेंट होंगे या उनका जो भी अल्टरनेटिव फूड है उनको हम डिस्ट्रॉय करेंगे और उस पेड़ी फील्ड में डेवलप होने नहीं देंगे सो दिस इज़ ऑल अबाउट द बेस्ट ऑफ क्रॉप्स मेनली ऑफ द पेड़ी थैंक यू सो मच